क्या रोजादार के गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यानी रोजा रखने की बिना पर क्या रोजादार के जो पिछला गुनाह है क्या वो माफ हो जाते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। पहली दलील है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, कि जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, यानी रोजे से पहले जो गुनाह उनसे हुआ था वो तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और याद रही कि वो तमाम गुनाह है जो सगाइर में शुमार होता है, कबाइर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माफ कर सकता है। ये बुखारी के अंदर हदीस आई हुई है, हदीस नंबर है 1901। इसी तरीके से हदीस मुस्लिम और अबू दाऊद के अंदर भी आई हुई है। दूसरी दलील है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया गया कि फितना के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस किसी को याद है। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि फितनतुर रजुल फी अहलिही व मालिही व जारिही तुकफ्फिरुहा सलातु व सियाम व सदका, इंसान के लिए उसके अहलो आयाल उसका माल और उसका पड़ोसी आजमाइश है जिसका कफारा नमाज रोजा और सदका बन जाता है। यह हदीस बुखारी के अंदर आई हुई है, हदीस नंबर है 1895। मज़कूरा हदीस में नमाज के साथ रोजे को भी गुनाह का कफारा करार दिया गया है, जिससे साबित होता है कि रोजा गुनाहों को मिटा देता है, रोजा गुनाहों को खत्म कर देता है। तीसरी दलील है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सलातुल खम्सु वल जुमातु इल जुमाति, इन पांचों नमाजें एक जुमा दूसरी जुमा तक और एक रमजान दूसरे रमजान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए, यानी उन सूरतों में ये गुनाह खत्म हो सकता है जब इंसान कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना करे। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में आई हुई है, हदीस नंबर है 233।